हिमाचल के सोलन और सुंदरनगर में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, कहा कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। सोलन में पीएम मोदी ने स्थिर सरकार के गिनाए फायदा, कहा कांग्रेस शासन में छोटे राज्यों की सरकार टारगेट पर रहती थी। पीएम मोदी बोले झूठे वादे करना कांग्रेस की आदत, लगातार सरकार बदलने से हिमाचल को नुकसान। अरविंद केजरीवाल पर भी बरसे पीएम मोदी, कहा जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। पीएम मोदी ने सोलन में किया रोड शो, रास्ते में रुक रुक कर स्थानीय लोगों से बातचीत की। चुनाव प्रचार में जुटे हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर मंडी में बोले राज्य के विकास में पीएम मोदी ने हमेशा सहयोग किया है। हिमाचल के राजपुरा से जेपी नड्डा का निशाना, कहा कांग्रेस की नीति है विकास रोको राज करो। हिमाचल के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, युवाओं को 5 लाख नौकरी, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा। कांग्रेस ने हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल बनाने का दिया भरोसा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का भी जिक्र। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले हिमाचल के लोगों की तरक्की और विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया मैनिफेस्टो। सीएम भूपेश बघेल का हिमाचल के सीएम पर तंज, कहा अब उन्हें जयराम जी कहने लगे हैं लोग। वहीं कांग्रेस ने मैनिफेस्टो पर बीजेपी का निशाना, अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस की गारंटी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, रविवार को सोलन के बद्दी में करेंगी जनसभा। गुजरात चुनाव से पहले हिमांशु व्यास का इस्तीफा, बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, सीनियर नेता जेएन व्यास का इस्तीफा, कहा संगठन के कुछ लोग गुटबाजी कर रहे हैं। जेएन व्यास के इस्तीफे पर बोली बीजेपी, 75 साल से ज्यादा की उम्र वालों को टिकट नहीं देगी पार्टी, इस्तीफा देने की वजह हो सकती है। आपसे कांग्रेस में शामिल हुए इंद्रनील राजगुरु का आरोप, पंजाब से गुजरात के लिए आ रहे हैं पैसे। यूपी बिहार समेत 5 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। 5 दिसंबर को मैनपुरी सीट पर वोटिंग, मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट, रामपुर की विधानसभा सीट पर भी वोटिंग। एनसीपी की बैठक के लिए मुंबई के अस्पताल से शिरडी पहुंचे शरद पवार, बोले कार्यकर्ता लाएंगे राजनीतिक बदलाव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तेलंगाना आंध्र की रीजनल पार्टियों को बताया फिक्सिंग करने वाला, कहा बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। बीजेपी की मांग पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, उनकी पार्टी कभी भी बंगाल का बंटवारा नहीं होने देगी। महाविकास अघाड़ी के नेताओं से महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले की अपील, अफवाह फैलाकर राज्य की छवि खराब न करें। सुकेश चंद्रशेखर के दूसरे लेटर से हड़कंप, केजरीवाल को बताया माठक, का राज्यसभा सीट के बदले मुझसे 50 करोड़ रुपए लिए गए। सुकेश का तिहाड़ के पूर्व डीजी और प्रशासन पर धमकाने का आरोप, कहा पहली चिट्ठी के बाद धमकाया जा रहा है, जांच की मांग की है। सुकेश के वकील का दावा, उनके पास सारे सबूत जांच एजेंसियों को देने को तैयार हैं सुकेश। सुकेश की चिट्ठी पर बीजेपी का हमला, कहा केजरीवाल का ठगों से रिश्ता अच्छा लग रहा है, केजरीवाल को गुरु मानने लगे हैं ठग। सुकेश चंद्रशेखर के धमकी वाले आरोपों को आम आदमी पार्टी ने किया खारिज, सुकेश ने कहा चिट्ठी के बाद से उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज का आरोप, सुकेश चंद्रशेखर के जरिए दिल्ली एमसीडी और गुजरात चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पीए को ईडी ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है, करीब 10 घंटे की पूछताछ हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए का बयान दर्ज कर दिया गया है। ईडी के रेड पर मनीष सिसोदिया का ट्वीट, कहा मेरे घर पर कुछ नहीं मिला, पीए के घर पर भी रेड कर रहे हैं। एसडीपीआई नेता स्माइल नलबन के हुबली स्थित आवास पर एनआईए का छापा पड़ा है। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 7 पर आरोप तय, कोर्ट बोली हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे आरोपी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक में एनआईए की छापेमारी, बीजेपी नेता हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। राष्ट्रपति मुर्मू ने मिजोरम विधानसभा सदस्यों को संबोधित किया, हिमालय के संरक्षण का मुद्दा उठाया। जापान के 5 दिवसीय दौरे पर नेवी चीफ मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी रेलवे स्टेशन का दौरा किया, मालवीय पुल का निरीक्षण किया। अश्विनी वैष्णव बोले 350 करोड़ रुपए की लागत से होगा स्टेशन का पुनर्निर्माण। मोरबी कोर्ट ने आरोपी की रिमांड अर्जी खारिज की, दस्तावेजों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए रिमांड की मांग की गई थी। मोरबी हादसे को लेकर राजस्थान के सीएम ने गुजरात सरकार की खिंचाई की, कहा ऐसी भ्रष्ट सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण जयंती समारोह, सीएम योगी बोले बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार सबसे आगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दावा। तेजस्वी यादव का आरोप, बिहार के साथ हो रहा है पक्षपात, स्पेशल स्टेटस मिल जाए तो 2 साल में बिहार टॉप 5 राज्यों में शामिल होगा। एमपी के सिवनी में सीएम शिवराज का बयान, सरकार जनसेवा और विकास का नया रिकॉर्ड कायम करेगी। चेन्नई में आईएमयू का कॉन्वोकेशन, शिपिंग मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल बोले ओशियन बेस्ड ब्लू इकोनॉमी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वही बिजनेसमैन सारस मिस्त्री मौत मामले में पालघर पुलिस ने केस दर्ज किया, कार चला रही अनाहिता पंडोला पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कैलाश मानसरोवर और पीओके की वापसी के लिए रोज सुबह सभी प्रार्थना करें, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने अपील की है। शिवसेना नेता सुधीर सूरी के अंतिम संस्कार को तैयार परिवार, रविवार को 12 बजे होगा अंतिम संस्कार।
शिवसेना नेता सुधीर सूरी मारा केस में आरोपी को 7 दिन के पुलिस रिमांड। आरोपी संदीप सिंह से पूछताछ करेगी पुलिस। सुधीर सूरी के सिटी स्कैन से खुलासा, सूरी को 4 गोली लगी, 2 छाती में, 1 पेट में और 1 कंधे पर गोली लगी। सुधीर के बेटे माणिक सूरी का खुलासा, घटना से 1 दिन पहले यूके से धमकी भरा कॉल आया था, अगले दिन हत्या कर दी गई। सुधीर सूरी हत्याकांड पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, जांच जारी है, न्याय जरूर मिलेगा। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को चिढ़ाया, कहा ज्यादा ढिलाई ना बरतें। आजाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी का 104 साल की उम्र में निधन हो गया। 2 नवंबर को पोस्टर बैलेट के जरिए हिमाचल चुनाव में किया था मतदान। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता के निधन की खबर से दुखी हूं। किन्नौर में श्याम शरण नेगी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी श्रद्धांजलि, का वो युवा मतदाताओं के लिए मिसाल है। काशी में देव दीपावली पर 10 लाख दिए जलाएगी योगी सरकार, 7 नवंबर को काशी विश्वनाथ फूलों से सजाया जाएगा। वाराणसी के गड़ौली धाम में तुलसी विवाह के अवसर पर लोगों ने 5 लाख दिए जलाए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आकाश पर लाइव सम्मेलन में हिस्सा लिया, कहा ऐसे सम्मेलन से एक भारत श्रेष्ठ भारत का रास्ता मिलेगा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह ने नेताजी चौमुहानी में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया, कर्मचारियों से बातचीत करके भी हाल जाना। मुंबई के भायखला में मिली 132 साल पुरानी सुरंग, जेजे अस्पताल में वार्ड की इमारत के नीचे मिली 200 मीटर लंबी सुरंग। मुंबई के फैशन स्ट्रीट में दुकानों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली में सर्वोदय हिल्स रेजिडेंशियल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग काबू कर लिया गया है। दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में आग, आग लगने की वजह भी पता नहीं। गुवाहाटी में पुलिस ने 15 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी है, मणिपुर का रहने वाला आरोपी। मदुरै के विमेन कॉलेज में पेरेंट्स से मारपीट का मामला, पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अस्पताल में भर्ती, फिलहाल हालत स्थिर है। जयपुर के हरदोई में शादी फंक्शन में जमकर उत्पात, विशेष समुदाय पर मारपीट और पथराव का आरोप लगा है। श्रीनगर में एडमिट कार्ड लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे युवा, अग्निवीर परीक्षा में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा है। यूपी के बुलंदशहर में एनकाउंटर के बाद छात्र लुटेरा रिजवान गिरफ्तार, 19 केस दर्ज हैं। आगरा में मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो पर आईटी की रेड, घर ऑफिस और फैक्ट्री पर छापेमारी। उज्जैन में स्ट्रीट शीटर रोशन पासी समेत 2 के घर पर चला बुलडोजर, नगर सुरक्षा समिति के संयोजक पर जानलेवा हमले का आरोप। पंजाब के मानसा में पराली की आग की चपेट में आने से 3 लोग झुलस गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के एग्जीक्यूटिव होटल में आग लगने से हल्का होटल का फर्स्ट फ्लोर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, 120 एमएम का मोर्टार मिला। चेन्नई के एनएससी बोस रोड पर गिरा इमारत का हिस्सा, 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट का सभी हाईकोर्ट को आदेश, चार्जशीट दाखिल होने तक किसी भी सूरत में रेप पीड़िता के बयान किसी को ना दिखाएं। दिल्ली की आबोहवा अभी जहरीली, एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी गंभीर की श्रेणी में। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 30% की कमी, मंत्री जेपी दलाल का दावा। पंजाब में बढ़े 20% मामले। रोहतक में प्रदूषण रोकने की कोशिश, पराली को इकट्ठा कर बनाया जा रहा है चारा। महाराष्ट्र में कोरोना के 219 केस दर्ज किए गए, 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई। चीन में कोरोना नियम में कोई ढील नहीं दी जाएगी, बीते 24 घंटे में 3,500 नए केस पाए गए। यूपी के गोरखपुर में डेंगू का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ा है, बुखार सरदर्द वाले मरीज ज्यादा आ रहे हैं। कानपुर में डेंगू के मामले बढ़े हैं, जनवरी से अब तक 200 केस सामने आए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी सख्त हैं, स्वास्थ्य अधिकारियों को फील्ड में उतरने को कहा गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, डेंगू के मामले कंट्रोल में हैं, विपक्ष बेवजह डर फैला रहा है। इमरान खान ने साल 1971 से की पाकिस्तान के आज के हालात की तुलना, कहा देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को हटाया जा रहा, पार्टी के नेता को मारने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में इमरान खान पर हमले को लेकर शहबाज शरीफ का बयान, कहा अगर सबूत दिखाए जाते हैं तो मुझे पीएम पद पर रहने का अधिकार नहीं है। रूस के कोस्ट्रोमा में एक कैफे में लगी भयंकर आग, 15 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। रविवार से मिस्र में आयोजित होगा COP27 सम्मेलन, नेट जीरो समेत पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आत्मनिर्भर भारत को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बोली आर्थिक मजबूती बेहद जरूरी, आज ग्लोबल बनी भारत की कंपनियां। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया, इंग्लैंड को 142 रनों का टारगेट मिला था। श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा इंग्लैंड, मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बाहर। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने आदिल रशीद की गेंदबाजी की तारीफ की, कहा अच्छी गेंदबाजी के बाद भी आदिल को नहीं मिल रही है विकेट। विराट कोहली ने मेलबर्न में टीम इंडिया के साथ मनाया जन्मदिन, मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी ने भी साथ काटा केक। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली की फनी तस्वीरें शेयर की, लिखा मेरे प्यार आज आपका बर्थडे है, आप जो हैं उस ढंग से मैं आपको प्यार करती हूं। बिग बॉस कंटेस्टेंट साजिद खान पर बढ़के शो के होस्ट सलमान खान पाखंडी, कहा पूछा शो में क्या कर रहे हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।